सुबह कोई साधारण सुबह नहीं, आज का दिन कोई आम दिन भी नहीं। आज वो होना है जो आज से पहले पूरी दुनिया में कभी कहीं नहीं हुआ। आज हमारी आंखों के सामने इतिहास रचा जाएगा। आज पूर्ण शराबबंदी के समर्थन में बिहार में बनेगी विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला। आज 21 जनवरी 2017 है। 21 जनवरी को पूरे बिहार में एक समय में एक साथ हजारों किलोमीटर की मानव श्रृंखला होगी और हम लोगों का लक्ष्य है कि इसमें 2 करोड़ हमारे बिहारवासी भाग लेंगे। मैं आपसे आग्रह करूं, मानव श्रृंखला के इस कार्यक्रम में शरीक होइएगा। शराबबंदी एक महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव है, ऐसा बदलाव जो जनता की भागीदारी के बिना अधूरा है। मानव श्रृंखला के पीछे यही सोच है कि आम आदमी इससे जुड़े। जनता ने भी खुले दिल से इस पहल का स्वागत किया है। शराब पीने के कारण उनका सेहत भी ठीक नहीं रहता था, बहुत बीमार रहते थे, पैसा उसे नहीं देते थे, खड़िया लोटा पटकते थे, मारपीट करते थे पहले। अब तो दारू छोड़ दिए हैं, नहीं पीते हैं, घर में बच्चों को देख रहा है, पढ़ा रहा है, लिखा रहा है। शराब छोड़ने के बाद दवा का खर्च बच रहा है, सुधर गए, मारपीट न कराए। पहले पापा दारू पी के मारते थे, अब नहीं मारते हैं। और बच्चे लोग के भी दुलार प्यार सब करते हैं, पढ़ाई लिखाई में कॉपी किताब सभी चीज देते हैं। पहले से बहुत ज्यादा खुश है, खाना पीना बढ़िया से खाता, अब तो मोटा गया, दारू छोड़ दिया था। गौआ में बोले लगलो गैले बाबू ने कभी हनुआ, गौआ में बोले लगलो गैले बाबू ने कभी हनुआ, गौआ में बोले लगलो गैले बाबू ने कभी हनुआ, गौआ में बोले लगलो गैले बाबू ने कभी हनुआ। 21 तारीख को मानव श्रृंखला में सभी लोग, सभी परिवार, अगल बगल पास पड़ोस के लोग को भी ले जा करके मानव श्रृंखला में अपना भागीदार बनाएंगे। मैं मानव श्रृंखला में मैं जाऊंगी और सबको भी लेके जाऊंगी। देश की जितनी भी महिला हैं जो कि मतलब अपने हस्बैंड से ये हैं शराब पीने से, वो लोग भी साथ में जाए हमारे। देश ही नहीं पूरी दुनिया में इतनी बड़ी मानव श्रृंखला कभी कहीं नहीं बनी थी। इतनी बड़ी मानव श्रृंखला बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था, बहुत सी छोटी बड़ी तैयारियों की जरूरत थी। हर पहलू पर ध्यान रखना था, प्रशासन और पुलिस को पुख्ता इंतजाम करने थे ताकि उस दिन सड़क पर आए हुए लाखों लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। काम बेहद मुश्किल और पेचीदा था, मगर हमारे अधिकारियों ने दिन रात की मेहनत से इसे सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मानव श्रृंखला की सफलता के लिए प्रशासन के साथ ही जनता का जुड़ना भी बहुत जरूरी था, और यही हुआ। लोग बड़ी संख्या में सामने आए और अपनी अपनी तरह से समर्थन दिया।
नशे की लत की सबसे बड़ी शिकार वो महिलाएं थी जिनके पति, पिता या पुत्र को ये बुरी लत थी। शराबबंदी ने महिलाओं को एक ताकत दी, आत्मविश्वास दिया और उनका जीवन बदल डाला। मानव श्रृंखला में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सड़कों तक पर उतर आईं, गली गली घर घर जाकर लोगों को प्रेरित किया। खुशी इतनी थी कि मन में समा नहीं रही थी। सबने अपने अपने तरीके से इस खुशी का इजहार किया। नीयत साफ हो, इरादा नेक हो तो सब के सब जुड़ जाते हैं। पटना के किन्नर समाज ने भी एक जिम्मेदार भूमिका निभाई और लोगों को प्रेरित किया कि वो भी इस मानव श्रृंखला का हिस्सा बने। हमारा समुदाय किन्नर समुदाय धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से शराबबंदी के समर्थन में ही रहा है आज नहीं बरसों पुराने समय से, और आज हम भी लोग चाहती हैं कि 21 जनवरी को मानव श्रृंखला में ज्यादा से ज्यादा लोग संख्या में आए। शराब पीने से घर कैसे स्वर्ग से नर्क बन जाता है, ये उन घरों के बच्चों से बेहतर कौन जानता है। बिहार के बच्चों ने भी इस महापर्व में अपनी उपस्थिति दर्ज की, बड़ी संख्या में इसमें हिस्सा लिया और अपनी कला के माध्यम से इस प्रयास का समर्थन किया। बड़ा आयोजन पहली बार किया जा रहा था, इसलिए बेहद जरूरी था कि हम पूर्वाभ्यास यानी रिहर्सल करें ताकि 21 जनवरी को किसी से कोई चूक ना हो,
सब कुछ अच्छी तरह से हो, बेरोक टोक हो। श्रृंखला की तैयारी सिर्फ पटना शहर में ही नहीं बल्कि दूर दराज के गांवों में भी की गई। वहां भी शराबबंदी के गीत गाए गए, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई गई। दिन जिसका सभी बिहार वासियों को इंतजार था। आज 21 जनवरी 2017 है जब आंखों के सामने इतिहास की रचना होगी। जब एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। आज पूरे पटना के लोग जुट गए हैं इस महा आंदोलन को सफल बनाने में।
मजदूर बचले बचले हम सब ले खाना है नशा मुक्त बिहार बनाना है के सिंदूर वाजी आए हो जी हम बच्चों का ले पुकार बचले बचले मांगा युवा बच के ले पहने के सिंदूर और बिहार ने रच डाला एक नया इतिहास बना डाला एक नया विश्व रिकॉर्ड उम्मीद थी 2 करोड़ लोगों के आने की मगर आए उम्मीद से ज्यादा 2 नहीं 3 करोड़ लोग धर्म जाति ऊंच नीच छोटे बड़े के बंधनों से ऊपर उठ के हाथ से हाथ जोड़े कंधे से कंधा मिलाए आज बिहार ने यह साबित कर दिया कि इरादे नेक हो तो चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए मंजिल जरूर हासिल होती है आई हो जी।